चुनाव को, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की किस तरह से तैयारी शुरू कर दी गई है? पूरी तैयारी शुरू हो गई हमारी लोकसभा चुनाव के, राजस्थान विधानसभा के चुनाव देरी से हुए, बाकी पूरे देश में लोकसभा के चुनावों की तैयारी बहुत पहले ही हो गई थी। और 12 तारीख को हमारी बड़ी मीटिंग होगी दिल्ली में, उसमें सारी योजना बन गई, उसमें हमारे मोर्चों के कार्यक्रम सबके बन गए, सारे कार्यक्रम संपन्न भी हो रहे हैं और अब पार्टी के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, हमारी समीक्षा जिलों में जाने वाने का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हमारी टीम बना रहे हैं, हमने लोकसभा की जो टीमें हैं, संयोजक प्रभारी, वो सब बना दिए हैं, सारे लोग फील्ड में काम करने लग गए हैं, अब जल्दी काम शुरू हो रहा है। हम कार्यशाला रख रहे हैं 21-22 की, ताकि लोगों को बुलाकर उसमें उनको काम कैसे कैसे करना है, क्या काम करना, ये सारा फाइनल कर दें। इस बार 25 के 25 वाक्य रिपीट होंगे क्या? वाक्य रिपीट ही होंगे, इसलिए रिपीट होंगे कि जनता जो है और जो युवा वर्ग है वो मोदी जी से प्रभावित है, और फिर मोदी जी ने जो काम किए हैं इस देश में वो शायद पहली बार देश आज़ाद होने के पास में काम हुए, और वो काम है गरीबों के प्रति उनका लगाव, और वो मैं सोचता हूँ कि किसी भी सरकार ने कभी सोचा ही नहीं था। सरकारें तो आइर चली गई, जरा स्वच्छता मिशन आपको भी महसूस होता होगा, मैं सीकर के बस स्टैंड पर था, एक आदमी ने बिस्किट खाकर उसका रेपर नीचे डाल दिया, एक छोटा सा बच्चा उठा और उसमें डाला, मैं डस्टबिन में उसको डाला। मैं सोचता हूँ ये मनोवृत्ति जो आ रही है ये अच्छी मनोवृत्ति है। ऐसे ही स्वच्छता मिशन में हमारी माता बहनें बाहर जंगल में जाने के लिए बड़ा अंधेरे का इंतजार करती थी, अधिक अंधेरा भी नुकसानदायक था, प्रकाश भी नुकसानदायक था, बीमारियां भी होती थी, ऐसी सारी स्थिति में कितने शौचालय बने, तो अच्छा काम किया। उज्ज्वला गैस का मामला हो, गांव में जरा बिजली के कनेक्शन देने का काम हो, नॉर्थ ईस्ट में काम करने का मामला हो, तो ये सारे जो विषय हैं ये पहली बार उन्होंने उन लोगों के लिए लिए जो वंचित थे। और अभी हाल ही में उन्होंने OBC का आरक्षण हो गया, SC ST का आरक्षण हो गया, जनरल जो सामान्य समाज है उसमें भी गरीब लोग बहुत हैं, उन गरीब लोगों को शिक्षा में, नौकरियों में उनको जगह मिलनी चाहिए, इसलिए 10% आरक्षण देकर उन्होंने एक जो लंबे समय से मांग चल रही थी सामान्य वर्गों की, वो पूरा उन्होंने किया है, उससे भी लोग उत्साहित हैं। और केंद्र सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके कारण से केंद्र सरकार की बदनामी हो या जो देश के लिए अहितकर काम हो। पहली बार इस सरकार ने 20 वर्ष बाद सेना को सशक्त करने का काम किया, 20 वर्ष तक चाकू ही नहीं खरीदा कांग्रेस के राज में, तो UPA 1 और 2 में, और ये इस समय राफेल जैसे आया, वो जरा मुद्दा तो उठाते हैं लेकिन राफेल एक्चुअली राहुल फेल है, क्यों कि हर चीज के अलग अलग स्टेजेज होती हैं, एक तो खाली बोरी है उसकी कीमत अलग है, उसमें चना भर देंगे तो उसकी कीमत अलग हो जाएगी, उसमें अरहर भरेंगे तो उसका अलग हो जाएगी, चावल भरेंगे तो उसकी कीमत अलग हो जाएगी, लेकिन इनको तो झूठ बोलना है, इसलिए झूठ पर झूठ वो बोले जा रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जो वायदे किए, वो वायदे मैं सोचता हूँ ऐसे वायदे हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने घोषित किया किसानों के लिए कर्ज माफ करेंगे, इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि हम कर्ज माफ करेंगे किसानों का, कितना कर्ज माफ करेंगे, जवानी जमा खर्चा है घोषणा पत्र में नहीं है, घोषणा पत्र को इन्होंने डॉक्यूमेंट बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में कितना पैसा होगा, किसका होगा, क्या करेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस की बिना स्वीकृति के एक भी पैसा सरकार का इस हाथ से उस हाथ में नहीं जा सकता। अब उन्होंने कमेटी बना दी, कमेटी का हश्र क्या होता है आप देख लो, तो ये लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, बोर्ड ले लेंगे और कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी आ जाए फिर जनता क्या कर सकती है, बोर्ड तो ले लिए। लेकिन राजस्थान की जनता बहुत सावधान है, सतर्क जनता है, होशियार जनता है, ये जनता जानती है, और काठ की हंडी जो है एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 25 के 25 सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। इस बार सीटों में चेंजेस होगा क्या कैंडिडेट्स के अंदर? राजनीति में और डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में कोई किसी का पट्टा नहीं होता है,
कि इस एमएलए को अगली बार भी एमएलए दिया जाए, बनाया जाए, या लोकसभा के प्रत्याशी जो रहे वो, या जो आज हमारे एमपी हैं उनको उसी जगह से या उनको टिकट दी जाए, ये आवश्यक नहीं है। ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, वो वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को देखता है, व्यक्ति की छवि देखता है, व्यक्ति के बारे में क्या धारणा बनी है समाज में, ये बात देखकर निर्णय करती है पार्टी। एक सिक्कर से सनी देओल का, सिनी स्टार सनी देओल का नाम भी एक दो दिन से तेजी से आ रहा है कि भाजपा सनी देओल को भी मैदान में उतार सकता है, क्या है इस बात में, दम है क्या कोई बात में? अभी मेरी जानकारी में नहीं। झुंझुनू के अंदर केवल एक कम्युनिटी के हिसाब से कई नेता अपने मुंह से तो बोलते नहीं लेकिन दबे जमाने में बात करते हैं, क्या क्या एक ही कम्युनिटी का राज है क्या टिकट पर? नहीं, एक कम्युनिटी का राज नहीं है, पार्टी ने सबको टिकट दिया है, सबको अवसर देने के। 25 सीटों में सैनी समाज को टिकट नहीं दी। सैनी समाज बीजेपी नहीं होती है, वो समाज होता है, और भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, वो किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं है। वहाँ हमको जो कार्यकर्ता ठीक लगता है, हमारा पार्टी का काम करने वाला है, वहाँ इक्वेशन भी उसके जीतने के हैं। उस समय हम कोई जात बिरादरी नहीं देखते, हम उस कार्यकर्ता को, जीतने वाला कार्यकर्ता हो, हमारे पार्टी का वर्कर हो, ये देखकर हम निर्णय करते हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करती है। और सैनी समाज को बहुत टिकट बहुत बार दिया है, दो बार मैंने चुनाव लड़ा, बनवार जी ने चुनाव लड़ा, माथुराम जी ने चुनाव लड़ा, हमको अवसर नहीं दिए पार्टी ने, ऐसा नहीं अवसर दिए हमको। ओपी सैनी ने पिछली बार जो एमएलए चुनाव थे उनमें भी टिकट की मांग की थी? उन्होंने कोई मांग नहीं की थी, उनको टिकट हमने बुला कर दिया था। क्वेश्चन,